खबर यूपी के चंदौली जिले से है, जहां डीडीयू जीआरपी पुलिस ने गोल्ड तस्करी के एक मामले का खुलासा किया है। मामले में जीआरपी व आरपीएफ की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अवैध सोना बरामद करने के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। दरअसल रेलवे उच्चाधिकारियों के निर्देश पर रेलवे में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जीआरपी प्रभारी अशोक दुबे व आरपीएफ प्रभारी संजीव कुमार के नेतृत्व में जीआरपी और आरपीएफ के जवान डीडीयू जंक्शन के विभिन्न प्लेटफार्मों तथा सर्कुलेटिंग एरिया में संदिग्ध व्यक्ति तथा वस्तुओं की जांच कर रहे थे। इसी दौरान जवानों ने प्लेटफॉर्म संख्या 7-8 के पश्चिमी ओवर ब्रिज के पास खड़े दो संदिग्ध युवकों से पूछताछ की और उनकी तलाशी ली। तलाशी में युवकों के पास से 6 किलो 64 ग्राम सोना बरामद हुआ, जिसका सटीक प्रमाण तथा विवरण न देने पर जवानों ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया और जीआरपी थाने लाए और पूछताछ की। मामले का खुलासा करते हुए सीओ जीआरपी ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों का नाम दिलीप मंडल व कार्तिक मंडल है, जो कि पश्चिम बंगाल निवासी है। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे ट्रेनों के द्वारा सोने की तस्करी का काम करते हैं। आज भी सोना कोलकाता से दिल्ली ले जाने के फिराक में थे कि गिरफ्तार हो गए। सीओ ने बताया कि कस्टम विभाग को बुलाकर अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। किस तरह की रिकवरी है और आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? आज रूटीन चेकिंग के तहत जीआरपी और आरपीएफ स्टाफ द्वारा प्लेटफार्मों पर चेकिंग की जा रही थी। इसमें 7-8 प्लेटफार्म पर पश्चिम साइड में दो व्यक्ति पकड़े गए, जिनके पास से 6 किलो 64 ग्राम सोना बरामद हुआ, जिसका कोई कागजात अभी नहीं दिखा पाया। इसकी स्थानीय बाजार में कीमत 2,61,00,000 के करीब बताई जा रही है और कस्टम विभाग को बुला करके इनके विरुद्ध कार्रवाई कराई जा रहा है। ये कहाँ से कहाँ ले जाना बता रहे हैं? ये कलकत्ता से दिल्ली ले जा रहे थे। इनका कहना है कि दिल्ली में हमारी दुकान है, कारखाना है, वहाँ पर बनाकर ये सप्लाई करते हैं।